ये बुक आ चुकी है हमारे हाथ में। मैं कैमरा निकाल लेता हूँ। ये बुक देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। इसका कवर ही देख के इसको मैंने ऑर्डर कर दी थी। इसके अंदर क्या होने वाला है चल के देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक मैंने बुक ऑर्डर की है। काफ़ी दिन बाद ये बुक मुझे मतलब अच्छी लगी। मैं सर्फिंग कर रहा था बुक्स को लेकर के, तो यहाँ पे मुझे ये बुक दिखी जो कि न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक का नाम है। और भाई, इसकी जैसी पैकिंग की गई है ना, देख सकते हैं आप। भैया, गांव जाते टाइम भी हम इतनी कड़क पैकिंग नहीं करते हैं। मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, ये बुक आ चुकी है हमारे हाथ में। मैं कैमरा निकाल लेता हूँ। ये बुक देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है। इसका कवर ही देख के इसको मैंने ऑर्डर कर दी थी। इसके अंदर क्या होने वाला है चल के देखते हैं। बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। और यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, न्यू एडिशन ये मैंने मंगाई है, क्योंकि इसका जो पुराना वर्जन था उसमें के रिव्यूज़ थोड़े ऊपर नीचे थे, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिले हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स के द्वारा लेखक हैं इसके, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, तो हम ओपन कर लेते हैं। इसकी ओपनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटली काफ़ी अच्छी इसके जो पेज प्रिंट्स हैं ये तो काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना इसमें, आपको वो टोटली इजी मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, आई थिंक इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, इसमें इंडेक्स नहीं दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट कर दी गई है बुक। ओके, तो इसमें अगर इंडेक्स नहीं दिया गया है तो लोग इसे पढ़ेंगे कैसे, राइट? इंडेक्स तो एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए था, राइट? नहीं, आपका क्या कहना है वैसे? यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू ट्रेडर एंड ग्रीडी हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रिच ट्रेडर आर रियलिस्टिक अबाउट देयर रिटर्न्स। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, न्यू ट्रेडर जो भी होता है वो मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ही देख के आया रहता है, जहाँ से उसको पता रहता है कि भैया बस अभी एक महीना दो महीना प्रैक्टिस करके हम अमीर बनने वाले हैं। तो इसमें शायद कुछ इसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि भैया एग्जैक्टली रियलिटी क्या है मार्केट की, और आपको क्या चीज़ें कैसे वर्क करने वाली हैं। ठीक है, मार्केट में आए हुए लोगों को 2 से 3 महीना नहीं होता, डायरेक्टली ऑप्शन में लोग चले जाते हैं। और इस बुक में जैसे कि अगर हमें हेडिंग्स कुछ पढ़ने को मिले तो ऐसे ही मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग मिला है। न्यू ट्रेडर मेक अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट? हम जब लॉस में जा रहे होते हैं, हमारा सारा स्ट्रेटजी जब हमें बना चुके रहते हैं, उसके बाद भी जब लॉस में जाते हैं तो स्ट्रेस में ऑफकोर्स टेंशन होता है, ठीक है। रिच ट्रेडर कैन मैनेज स्ट्रेस, जब लॉस ज़्यादा हो जाता है कभी कभी तो भैया स्ट्रेस जो लेना पड़ता है ना, मेरा एक ही बार लॉस हुआ था थोड़ा सा बड़ा वाला, तो मुझे पता है किस चीज़ों से गुजरना। बहुत लोगों का तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लॉसेस उन्होंने देखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू ट्रेडर आर इम्पेशेंट एंड लुक फॉर अ कॉन्स्टेंट एक्शन, एंड रिच ट्रेडर आर पेशेंट एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल। ये पढ़ रहे हैं क्या आप? रुकिए, मैं नेक्स्ट ओपन करता हूँ और पेजेस पलटने का टाइम कम जाएगा। ये देखिए 4 में क्या लिखा है, न्यू ट्रेड बिकॉज दे आर न्यू ट्रेडर बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन ग्रीड एंड फियर, रिच ट्रेडर यूज अ ट्रेडिंग प्लान। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, नेक्स्ट वाला देखते हैं। न्यू ट्रेडर्स आर अनसक्सेसफुल व्हेन दे स्टॉप लर्निंग, 5 से 6 महीने बाद, कोई 3 ही महीने बाद, कोई 1 साल बाद बंद कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ लॉस खाता रहता है, एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है। रिच ट्रेडर नेवर स्टॉप लर्निंग अबाउट द मार्केट, हमेशा कुछ ना कुछ लोग सीखते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये part 2 है जो कि रिस्क के बारे में। भैया यहाँ कुछ हमें पता चलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे, न्यू ट्रेडर एक्ट लाइक अ गैम्बलर, ओके, रिच ट्रेडर ऑपरेट लाइक अ बिजनेस पीपल। वो कुछ लग रहा है सुन के आपको?
समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोलूँ आपको अभी? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। 7 न्यू ट्रेडर बेट द फॉर्म, रिच ट्रेडर केयरफुली कंट्रोल ट्रेडिंग साइज। ओके नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब से कुछ चीज़ें जानी है तो मुझे ये चीज़ें नहीं लगती हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यू ट्रेडर लर्न लार्ज प्रॉफिट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। फॉर द रिच ट्रेडर्स मैनेजिंग रिस्क इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या समझे? आ जाओ नेक्स्ट पे, मैं ये भी दिखाना चाहता था आपको। देखिए वॉरेन बफेट जी का यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं, इसके बीच में भी मैंने देखे, लेकिन ऐसे काफ़ी थॉट्स आपको मिलने वाले हैं बुक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू ट्रेडर्स ट्राई टू प्रूव देयर राइट। ओके, जैसे यूट्यूब पे मैंने बहुत, अभी काफ़ी टाइम से जब से वो नए चैनल्स मैंने काफ़ी देखे हैं जो ओपन हो रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं क्या चीज़ें होती हैं। रिच ट्रेडर एडमिट When they are wrong, ये बात सच है। मैं एक ट्रेडर को जानता हूँ जो काफ़ी अच्छी मतलब अर्निंग करते हैं, और जब वो गलत हैं तो गलत हैं भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, न्यू ट्रेडर्स गिव बैक प्रॉफिट्स बाय नॉट हैविंग एन एग्जिट स्ट्रेटजी। ओके, रिच ट्रेडर लॉक इन प्रॉफिट वाइल दे आर देयर। वो ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोग पार्ट 3 मेथोलॉजी पे आ चुके हैं, और मैं जब बुक का पेज पलट रहा था ना, वहाँ पे मुझे और भी कुछ थॉट्स बताए गए जो ट्रेडर्स द्वारा ही लिखे गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं बुक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं 11 में दिया हुआ है, मोस्ट न्यू ट्रेडर क्वाइट रिच ट्रेडर्स प्रिजर्व इन द मार्केट अंटिल दे आर सक्सेसफुल। ओके, मोस्ट न्यू ट्रेडर्स क्वाइट, ये बात सच है भैया, जो भी नए ट्रेडर आते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं क्या रीज़न होगा। रिच ट्रेडर प्रिजर्व इन द मार्केट अंटिल दे आर सक्सेसफुल। मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा था जो जिन्होंने 2 साल 2.5 साल लॉस खाया, उसके बाद भी उनका समझ लीजिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपये लॉस हो चुका था, फिर भी उन्होंने मार्केट नहीं छोड़ी, लेकिन मानना पड़ेगा। आ जाते हैं यहाँ पे 12 पॉइंट पे, जहाँ पे मिल जाएगा आपको, न्यू ट्रेडर होप फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम द मोमेंट दे सफर अ लॉस, रिच ट्रेडर स्टिक विथ अ विनिंग सिस्टम इवन व्हेन इट्स लूजिंग। ये बात सीरियसली यार सच है, क्योंकि मैं जब कोई कभी कभी जो सिस्टम बनाता हूँ, जब लॉस होने लगता है मैं थोड़ा बहुत डरने लगता हूँ, लेकिन वही बात वही उसी चीज़ को मैंने एक बार उसमें ट्राई किया, जब लॉस हो रहा था मैंने नहीं निकला, बिकॉज मेरे जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं बोला भैया स्ट्रेटजी के ऊपर रहूँगा, या तो स्टॉप लॉस लेके हटूँगा या तो फिर वो, और सच बताऊँ आपको लास्ट में वही हुआ जो मैंने सोचा था, प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा, क्या बताऊँ आपको। चलो आ जाओ 13 पे, यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू ट्रेडर्स प्लेस ट्रेंड्स बेस्ड ऑन ओपिनियन। ये देख सकते हो, ये ओपिनियंस जो दिख रहे हैं ना, लोग बोलते हैं ना ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ये वो, मतलब उनका कोई सिस्टम प्लान नहीं रहता है। रिच ट्रेडर्स प्लेस ट्रेड्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो आई थिंक मार्केट को भी देखते हैं एग्जैक्टली क्या वहाँ भी चल रहा है, सिर्फ चार्ट देखने से कुछ नहीं होता है, आसपास की चीज़ें भी और भी देखनी पड़ती हैं। ये जितनी बड़ी वीडियो बन चुकी है ना अब तक, मुझे लगता है आपको ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानने को इंटरेस्टिंग मिला होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 14 वाला जो दिया है, मैं इसीलिए दिखाना चाहता था, ये देखिए, न्यू ट्रेडर ट्राई टू प्रेडिक्ट एंड रिच ट्रेडर फॉलो व्हाट द मार्केट इज टेलिंग देम। देख सकते हो ये, अब मैं ऐसे पूरा नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो टोटली 18 तक गया है ये सीरीज़, और जिसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ चार्ट्स भी दिखने वाले हैं, बिकॉज चीज़ें उसके हिसाब से मूव होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ये बुक ये अनबॉक्सिंग आपको अगर पसंद आई, तो मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।